Morning students, welcome to online classes of Sierra International School. So let's continue our topic, that is coordinate geometry. 7.2 के 5 questions हो गए थे. Now move towards our next question. 6th question में है, कहता है if 1, 2, 4, y आपके पास ये 4 coordinates given है, ठीक है? If these are the vertices of a parallelogram, find x and y. आपको x और y की value find out करनी है, ठीक है? अब एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास vertices given है, उसको आप पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके चलना. जैसे देखो ए 1 2 हो गया, बी 4 y हो गया, सी x 6 हो गया और डी हो गया 3 5. ठीक, ये नहीं कि इसको आपने ऑर्डर चेंज कर दिया. ऑर्डर रखना ए के लेके चलना. ठीक, अब ये कहता है कि ये क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है. ठीक है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक, अब देखो इसको आप कैसे करोगे, हमें पता है एज वी नो दैट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, कि डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की डायगनल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम की जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को. ठीक, इसका मतलब अगर हम ए सी एक डायगनल ड्रॉ कर दें और एक बी डी एक डायगनल ड्रॉ कर दें, ये दोनों कहाँ पर कर रही हैं, ओ पॉइंट के ऊपर. इसका मतलब जो ओ है वो किसका मिड पॉइंट होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, और जो ओ है वो किसका मिड पॉइंट होगा, बी डी का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, दिस इम्प्लाइज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, दोनों का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, अब देखो अब ओ ए सी का मिड पॉइंट है. ठीक है, आप ये ध्यान करो मिड पॉइंट है मतलब इसको दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक, तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, इसको 1:1 में. ऐसे ही ओ किसका मिड पॉइंट है, बी डी का, तो इसको भी 2 इक्वल इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा. कितने रेशो में, 1:1. एक चीज़ आप समझ लो, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक लाइन है और एक पॉइंट उसका क्या है, मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट है किसी भी लाइन का, तो इसको 2 इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, तो कितना रेशो हो गया, 1:1. ठीक, और मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2. ठीक, तो ओ पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, m1 की वैल्यू 1 हो गई, m2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 इंटू x2 फिर प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना हो गया, 2. ठीक, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना हो गया, 2. तो O हमारे पास जब भी किसी लाइन का मिड पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2. इसको हम और क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बार बार फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है. ठीक, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2. ठीक, अब देखो एस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी हो गया, ओ इसका मिड पॉइंट है, तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 की वैल्यू x, कितना हो गया, 1 + x / 2. फिर ऐसे ही y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6, तो कितना हो गया, 2 + 6/2, दैट इज 8/2 विल बी 4. क्लियर, ऑल्सो ये तो हमने किससे निकाला, ए सी से. ओ और किसका मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या हो जाएगा, x1 + x2, 3 + 4/2 कितना हो गया ये, 7/2. वाई के लिए 5 + y/2, ये हो गया हमारे पास 5 + y/2. या तो क्लियर हुआ. ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये भी हमारे पास ओ के ही कोऑर्डिनेट्स है और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट है, तो आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक, तो ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स को x से कंपेयर, 1 + x / 2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + x = 7, दिस इंप्लाइज x = 6, x की वैल्यू आ गई. ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए कंपेयर करें तो 4 = 5 + y / 2, ये 2 यहां डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 * 8 = 5 + y, तो y इज इक्वल टू 8 - 5 कितना हो गया, 3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3. क्लियर हो गया.
बस इसमें हमने यही कॉन्सेप्ट यूज करा है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट, ठीक। और हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, याद रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, क्लियर। यही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हमें एक पॉइंट है ए उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, जहाँ पे ए बी क्या है, डायमीटर है किसी सर्कल का ऑफ सेंटर, उस सर्कल का सेंटर गिवन है कितना, 2, -3, और बी पॉइंट क्या गिवन है, 1, 4, ठीक। क्या है हमारे पास, एक सर्कल गिवन है जहाँ पे ए बी क्या है उसका डायमीटर, सेंटर हम क्या सपोज कर लेते हैं इसका ओ, ठीक है। अब देखो सेंटर की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2, -3, मतलब ओ की वैल्यू कितनी हो गई, 2, -3, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1, 4, ठीक। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए x, y, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने हो गए, x, y, ठीक है। अब ध्यान दो, ओ क्या है, सेंटर है, ठीक। ए बी क्या है, रेडियस है, तो सेंटर जो है वो, सॉरी, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो जो सेंटर है वो डायमीटर के बिल्कुल मिड में लाई करेगा, ठीक। तो ओ जो है वो ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हियर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब ओ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है, दिस इंप्लाइज 2 = जो ओ का कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, x1 मतलब x plus x2 मतलब 1, तो x plus 1 upon में 2, by using midpoint formula हमने क्या पढ़ा था, midpoint coordinates क्या होते हैं, x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2, यही थे हमारे पास coordinates, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ऐसे y अगर हम compare करें तो y coordinate कितना है इसका, -3 - 3 = और formula के according y1 की value y plus y2 की वैल्यू 4/2 a बनेगा, ठीक है। आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करा है, इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 = x + 1, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया -6 = y + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, जो a पॉइंट से कोऑर्डिनेट पे आ गए 3, -10, ठीक। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला वही सेम ही है, कहाँ से आया ये, सेक्शन फॉर्मूला से ही आया है, बस मिड पॉइंट में हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो बार बार उसको अप्लाई करने से बेटर है आप डायरेक्ट याद कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहता है इफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, ठीक है। कहता है फाइंड पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करो सच दैट ए पी की वैल्यू कितनी है, 3/7 ऑफ ए बी, पी लाइज ऑन ए बी। क्या है, एक लाइन है हमारे पास ए बी, ठीक, जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है -2 और -2, बी के कोऑर्डिनेट है 2, -1, ठीक है। आपको क्या करना है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अब P पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करता होगा, ठीक है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए ये समझो x1, x2, y1, y2 ये वैल्यू तो आ गई, क्या नहीं है हमारे पास, m1 और m2 की वैल्यू नहीं है, मतलब रेशो नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, कि P पॉइंट से इधर कितनी लाइन है और P पॉइंट से इस साइड कितना लाइन है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपना रेशो फाइंड आउट करना है। अब देखो ये समझो, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, ए पी जो है वो क्या है, 3/7 ऑफ ए, जो ए पी की वैल्यू है वो कंप्लीट लाइन का कौन सा पार्ट है, 3/7 पार्ट है, ठीक। मतलब पी से इधर ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 3/7 ऑफ ए बी, ठीक। दिस इंप्लाइज अगर हम पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, पी बी, ठीक, कैसे ये बताओ, ए पी प्लस पी बी ए बी के इक्वल होगा, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। अंतर अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 3/7 ऑफ ए बी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 3/7 ऑफ ए बी, एलसीएम कितना आएगा, 7, 7 - 3 कितना हो गया, 4, तो पी बी की वैल्यू आ गई 4/7 ऑफ ए बी, है ना, क्लियर हुआ। देखो
एपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/7 ऑफ एबी, मतलब पी से इधर कितना पार्ट है, 3/7 ऑफ एबी, और पी से इधर पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/7 ऑफ एबी, इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब एम वन एम टू क्या होता है, रेशो ही तो होता है कि पी से इधर कितना पार्ट है और पी से इधर कितना पार्ट है। तो एम वन एम टू मतलब मुझे रेशो किसका निकालना है, एक तरह से एपी रेशो पीबी, अल्टीमेटली यही फाइंड करना है। एम वन क्या होता है, पी से इस साइड कितना पार्ट आ रहा है, और एम टू पी से इस साइड कितना पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब ए पी की वैल्यू कितनी है, 3/7 ऑफ ए बी रेशो, और पी बी की वैल्यू 4/7 ऑफ ए बी। ठीक, लाइक टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, ए बी से ए बी कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, रेशो कितना आ गया, 3:4। फिर यही इस क्वेश्चन में मेन था कि हम रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब ए पी मतलब ये वाला रेशो कितना आया, 3:4, और पी बी इस साइड कितना हो गया, 4। क्लियर, बस अब एम वन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3, एम टू कितना हो गया, 4, एक्स वन की वैल्यू -2, वाई वन की वैल्यू -2, एक्स टू की वैल्यू 2, और वाई टू की वैल्यू -2। ठीक है, आगे सारी वैल्यूज, अब क्या करना है हमें, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वही अपना m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक, और y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, मेन ये था कि रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेशो आने के बाद m1 m2 आ गए, x1 x2 y1 y2 आ गए, अपने डायरेक्ट इसको फॉर्मूला इनपुट करो एंड यू विल गेट योर कोऑर्डिनेट्स। ठीक, हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने बाइसेक्शन पढ़ लिया, बाइसेक्शन मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है एक पॉइंट से, तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्शन। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्शन में रेशो क्या रहेगा भाई अपना, 1:1, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। तो डायरेक्ट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्लियर हुआ। एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था अपना ट्राइसेक्शन वाला, ट्राइसेक्शन में अगर कोई लाइन ए बी है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। ठीक है, इसके लिए रेशो क्या था, इधर लाइन का एक पार्ट और इधर लाइन के 2 पार्ट, पी के लिए रेशो 1:2, क्यू के लिए 2:1, अब तक हमने यही पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जो क्या कर रहा है, एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 2, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2.8। ठीक, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक, एक लाइन दे रखी है A B, उसको क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 4 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हो गए, ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी, 4 पार्ट्स हो गए। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो, जो ये P पॉइंट है, ठीक, इससे इधर लाइन में कितना हिस्सा है, 1, और P पॉइंट से इधर लाइन का कितना हिस्सा है, 3, 1, 2, 3 हो गई है, तो P के रेशो कितना हो गया, 1:3। ठीक, सिंपल सा जाएगा, x1 y1, x2 y2 की वैल्यू है, रेशो कितना हो गया, 1:3। ठीक, ऐसे ही Q की अगर हम बात करें, तो Q से इधर पूरे लाइन का एक हिस्सा और Q से इधर भी कंप्लीट एक हिस्सा है, तो ये कितना हो जाएगा, Q के लिए 1:1। ठीक, R के लिए कंप्लीट लाइन कितना पार्ट है, 1, 2, 3, 3 पार्ट, और इस साइड कितना पार्ट है, सिर्फ 1 पार्ट, तो आपके लिए क्या रेशो हो गया, 3:1। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि अगर हमारे पास क्या आता है कि लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेशो, पी के लिए 1:3, क्यू के लिए 1:1, आर के लिए 3:1। ठीक, इससे आप कर सकते हो x1 y1, x2 y2, ये सारी वैल्यूज है, पी के लिए m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 3, क्यू के लिए m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1, r के लिए m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1, 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ये आप खुद सॉल्व करोगे, इसको नोटबुक में दोनों तरह से करना है, एक तो ये वाला पार्ट होगा। ठीक, एक और आपको बता देते हैं, देखो अब a पॉइंट है ये -2 और 2, b पॉइंट है 2.8, ये हो गया p, q और r। ठीक, अब इसने क्या करा है, पूरी लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक, इसका मतलब जो Q है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, Q कंप्लीट लाइन का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और
y1 प्लस y2 अपॉन, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, x1 की वैल्यू माइनस टू, x2 की वैल्यू टू, माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो अपॉन टू कितना हो गया ये जीरो। ठीक, y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 कितना है टू, y2 की वैल्यू कितनी है एट, टू प्लस एट टेन, टेन अपॉन टू कितना आ गया फाइव, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा अब ये चारों इक्वल इक्वल पार्ट है। ठीक, अब बात आती है पी पॉइंट, पी पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, ए पी और पी क्यू, ये दोनों पार्ट इक्वल है तो पी किसका मिड पॉइंट है ए क्यू का। तो पी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए एक्स वन की वैल्यू माइनस टू, एक्स टू की वैल्यू जीरो, माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू और अपॉन में टू कितना हो गया माइनस। ठीक, वाई वन की वैल्यू टू और वाई टू की वैल्यू फाइव, टू प्लस फाइव सेवन अपॉन में पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें आर की, तो जो ये आर है ये किसका मिड पॉइंट है, क्यू बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये और ये पार्ट दोनों इक्वल है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आर के लिए। आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन की वैल्यू जीरो, एक्स टू की वैल्यू टू, जीरो प्लस टू टू अपॉन टू वन। ठीक, वाई वन की वैल्यू फाइव, वाई टू की वैल्यू एट, वाई वन प्लस वाई टू फाइव प्लस एट थर्टीन डिवाइड बाय टू, ये आ गए हमारे पास पी क्यू आर तीनों कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करना है, एक तो अपना बिल्कुल सिंपल सा है कि रेशो हमने देख लिए वन रेशो थ्री, वन रेशो वन, थ्री रेशो वन, तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक, एक क्या है थोड़ा सा और इसको हमने जनरलाइज कर लिया कि जो क्यू है वो किसका मिड पॉइंट है ए बी का, पी है वो किसका मिड पॉइंट है ए क्यू का, और आर है वो किसका मिड पॉइंट है क्यू बी का। अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करा और डेट उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सॉल्व करना, इसको समझा दिया पूरा अच्छे से लिख के दोनों मेथड से, इस वाले से भी और इस वाले से, दोनों से करना है। ठीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर दिस। हमारे पास एक रोम्बस गिवन है, सपोज कर लेते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। पहले के वर्टिसेस कितने, थ्री जीरो, बी के वर्टिसेस फोर फाइव, सी का हो गया माइनस वन कोमा फोर, डी हो गया माइनस टू कोमा माइनस। ठीक है, अब इस रोम्बस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू पढ़ रखा है हमने, इसका मतलब किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा यहाँ पे, हाफ इंटू, एक तो डायगनल क्या होगी हमारे पास ए सी, और एक डायगनल क्या होगी हमारे पास बी डी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, इसी के इक्वल होगा। ठीक, अब बिल्कुल सिंपल सा है, हमें क्या चाहिए, एक तो ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी मतलब अपना वही डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस रूट वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है बी डी, बी डी, बी डी का मतलब क्या हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बी डी, उसके लिए भी वही अपना फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी की वैल्यू आ गई, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी की वैल्यू फाइंड करोगे इंटू में बी डी की वैल्यू, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, बस यहीं तक करते हैं। 7.3 आपके सिलेबस में से इस साल के लिए हटा दी गई है, वो नहीं करनी है, 7.1 और